छत्तीसगढ़ में चल रही बचाव अभियान में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जहां पर बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनसभा में भाजपा नेताओं ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी और बढ़ते अपराध पर कांग्रेस सरकार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया, संरक्षण देने का, और साथ ही साथ विशाल जनसभा में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने सभा से भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कांग्रेस के लोगों को गैर कानूनी काम करने का परमिशन मिल गया है। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने कांग्रेस सरकार को लेकर क्या कुछ कहा। और अभद्र भाषा का उपयोग करते मुख्यमंत्री जी को इतिहास संस्कृति की कोई जानकारी नहीं, हर बयान गरीबों की योजनाएं, हर शब्द आरक्षण का विषय हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होता हो, उसका जन कल्याण से जन विकास से कोई मतलब नहीं हो, उनको राजनीतिक भाषा है। अपराध बढ़ रहे हैं, नहीं भैया, अपराध को लगातार संरक्षण में वृद्धि हो रही है। हर स्तर का कांग्रेसी अपराध को संरक्षण, हर तरह के अपराध को संरक्षण दे रहा है। पुलिस वाले बेचारे उसको गुलाब भेंट कर रहे हैं, गांधीगिरी कर रहे हैं, कांग्रेसी निकल गए तो उसको चाय नाश्ता करवा रहे हैं।